टू माई यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास नाइन्थ की साइंस का चैप्टर 8, दैट इज मोशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो मूव कर रहा है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। सपोज कीजिए कि वो ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर फर्स्ट सेकेंड में, 5 मीटर नेक्स्ट सेकंड में, फिर 5 मीटर थर्ड सेकंड में, और 5 मीटर फोर्थ सेकंड में। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर ही कवर कर रहा है डिस्टेंस हर एक सेकंड में। तो जो ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन। वो ऑब्जेक्ट आपका किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है। अंडरलाइन करके रखिए इन चीज़ों को। जो ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। टाइम इंटरवल इस मोशन में वो स्मॉल हो सकता है, ठीक है, वो स्मॉल ही होता है। हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कई सारे मोशंस के अक्रॉस हम आते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कवर करते हैं अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल ले लीजिए, कार जो है मूविंग कर रही है क्राउडेड स्ट्रीट में, और पर्सन जो है जॉगिंग कर रहा है पार्क में। ये क्या है? कुछ इंस्टेंसेस हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। वही बोल रहे हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल यही ले लीजिए आप कि एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है कि 1 घंटे में, ठीक है, 5 किलोमीटर कवर कर रहा है अगर वो 1 घंटे में, और एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है 2 घंटे में। डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो ये आप कौन से केस में आ जाती है? आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में आ जाती है। यहाँ पे देखिए, आपको एक्टिविटी दी गई, यहाँ पे डाटा जो है रिगार्डिंग द मोशन जो अगर दो ऑब्जेक्ट ए और बी के, वो गिवन दिया है हमें 8.1 टेबल में। एग्जामिन करिए उससे केयरफुली और स्टेट कीजिए कि मोशन जो है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस जो ट्रेवल की है ए ने, वो भी मीटर में। फर्स्ट 15 मिनट्स में देखिए 10 का डिफरेंस आ गया, 20 - 10 10 मीटर कवर की। नेक्स्ट 15 मिनट्स में 10 मीटर की, उसके बाद नेक्स्ट 15 में भी 10 मीटर की, सॉरी नेक्स्ट 15 मिनट्स में भी 10 मिनट्स की डिस्टेंस कवर की, और लास्ट 15 मिनट्स में भी उसने 10 मिनट। देखिए हर एक की डिफरेंस जो है वो 10-10 की आ रही है, 10-10, 20-20 और 10-30, 10 मीटर की डिफरेंस आ रही है डिस्टेंस में। और टाइम इंटरवल है जो 15 मिनट्स का है सेम, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है वहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट ए है आपका वो क्या किस में है? इन यूनिफॉर्म मोशन में। आइए चेक करते हैं अब बी का। देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए बी ने कवर की 90 - 12 मीन्स आपके 7 मीटर। नेक्स्ट के लिए की आपकी 23 - 19 दैट इज़ 4 मीटर। यहाँ पे फिर 35 - 23 दैट इज़ 12 मीटर। देखिए हर एक जगह टाइम तो सेम है, 15 मिनट्स ही चल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कवर जो है वो डिफरेंट आ रही है, कभी 7 आ रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 12 आ रही है। यहाँ पर 2 आएगी, यहाँ पर 4 आएगी, यहाँ पर 4 आएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्टेंस डिफरेंट है, टाइम में जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये आपका कौन सा केस आ गया? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आपका टॉपिक है यहाँ पे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजर कैसे करते हैं हम रेट ऑफ मोशन को? उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि सिचुएशन देखिए जो आपको फिगर 8.2 में दी है। अगर बॉलिंग स्पीड जो है 143 किलोमीटर पर आवर है फिगर 8.2 में, तो उसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए आपको दी है बॉलिंग स्पीड अगर आपकी कितनी है 143 किलोमीटर पर आवर, तो उसका क्या मतलब, इससे आप क्या समझोगे? यहाँ पे दिखाया ना बॉलिंग स्पीड दिखाएगी है हर एक की, पहली बॉल की 140 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की 143 किलोमीटर पर आवर है, तीसरी की 135 किलोमीटर पर आवर। तो इन सभी का मीनिंग क्या है? साथ में उन्होंने बोला है कि जो फिगर 8.2 की बी है, ये साइन बोर्ड आपको क्या शो कर रहा है? यहाँ पे जो साइन बोर्ड है यहाँ पे ये देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट आपको दिखाई दी है, ये साइन आपको क्या शो कर रहा है? इस साइन का क्या मतलब है? आप सभी को पता है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं कवर करने के लिए डिस्टेंस। कुछ फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं। रेट जिस पे ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। साथ ही में जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करते हैं सेम रेट पे भी। एक पे जो है मेजर करने का रेट ऑफ मोशन जो है ऑब्जेक्ट की, वो ये है कि फाइंड करना डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है ऑब्जेक्ट ने यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम आपका 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। ये जो क्वांटिटी है ये हमारी क्या बताती है? स्पीड। मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड।
तो जो ऐसा यूनिट होता है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकंड। याद रखिए मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड का कितना है मीटर पर सेकंड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एम एस की पावर माइनस वन, पर है ना नीचे है। हम ऐसे भी अब अगर माइनस वन नहीं लिखना चाहते तो स्लैश डालिए मीटर पर सेकंड। तो अदर यूनिट्स हैं स्पीड के, इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, डिस्टेंस किसमें कवर की है, किलोमीटर पर आर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप किलोमीटर चल रहे हो तो वो सेकंड्स में तो होगा नहीं, घंटों की बात आ जाएगी, इसलिए किलोमीटर पर आर हो गए। तो स्पेसिफाई करने के लिए स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या चाहिए, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती, कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, इसलिए डिस्क्राइब करना रेट ऑफ मोशन उन ऑब्जेक्ट का, वो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है, कौन से टाइम पे कितने डिस्टेंस कवर की, फर्स्ट आवर में कितनी की, सेकंड आवर में कितनी की, थर्ड में की, टोटल की एवरेज निकालेंगे तो उनकी स्पीड निकल जाएगी। जो एवरेज स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो ऑब्टेन कैसे होती है, हम डिवाइड करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन, मीन्स एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपका ये है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस एस कितने टाइम में, टी में, तो उसकी जो स्पीड वी होगी वो ये होगी, ये सिंबल से डिनोट कर लेंगे, स्पीड आपकी वी से डिनोट करते हो, डिस्टेंस आप एस से डिनोट करते हो और टाइम को आप टी से डिनोट करते हो। अब अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक कार है वो ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर वो भी 2 आवर में, उसकी एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार है जो ट्रेवल नहीं कर सकती 50 किलोमीटर आर आर सारे टाइम में, तो समटाइम क्या हो सकता है, हो सकता है उसने ट्रेवल फास्ट किया हो सकता है कहीं पे उसने स्लो किया हो। कहने का मतलब उसने बोला है कार ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर 2 आवर में, तो जब हम इसकी स्पीड निकालेंगे 100 डिवाइड बाई 2 आएगा, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कार जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती 50 किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये उसकी एवरेज स्पीड होगी, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि हो सकता है किसी टाइम पे वो फास्ट चली हो और किसी टाइम पे वो स्लो चली हो, तभी उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई है 50 किलोमीटर पर आवर। आइए हम एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, हमें न्यूमेरिकल भी फिजिक्स में साथ साथ में सॉल्व करने हैं। एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकंड, वो दूसरा है वो कवर कर रहा है 16 मीटर वो भी 2 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकंड में, उसके बाद अनदर अगले 16 मीटर 2 सेकंड में, याद रखिए पहले उसने 16 मीटर की डिस्टेंस कवर की 4 सेकंड में, उसके बाद उसने 16 मीटर की डिस्टेंस कवर की 2 सेकंड में, तो एवरेज डिस्टेंस क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की है, कितनी कवर की है, वो तो 16 ही थी पहले भी और 16 थी बाद में, 16 और 16 आप ये हो गई 32 मीटर। टोटल कितना टाइम लिया डिस्टेंस कवर करने के लिए, पहले 4 सेकंड थे फिर 2 सेकंड आ गए, 4 और 2 आपके हो गए 6 सेकंड, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आपके पास 32 मीटर आ गई, टोटल टाइम कितना आ गया आपके पास 6 सेकंड आ गए। अभी अभी हमने फॉर्मूला किया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल हमने डिस्टेंस कितनी कवर की है, दैट इज 32 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम 6। अब किया हमने डिवाइड, ये पॉइंट में आ गया, 6 5 30 पॉइंट लगाओगे तो 20, 6 3 13 फिर पॉइंट लगाओ 18 सॉरी फिर से पॉइंट लगाओगे 20, चलता जाएगा आपने अप टू 2 डेसिमल तक ही लेना है, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों आया, आपकी डिस्टेंस मीटर में थी टाइम आपका सेकंड में था, तो इस तरह से एवरेज स्पीड जो थी ऑब्जेक्ट की वो आपकी आ गई 5.33 मीटर पर सेकंड। तो ये था आपका टॉपिक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन आपकी क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो आप कहते हैं कि वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। वो जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जहाँ बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो किस में है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है आपका। साथ में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम कितने टाइम में। उसके साथ एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है और डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो उससे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट की। यूनिफॉर्म की तो आपकी सिंपल होगी, ठीक है सिंपल वो भी निकल जाएगी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की अगर आप नहीं निकाल पाते, उसके लिए आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, वो किसकी इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम टेकन। साथ में आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी समझा दिया कि कैसे आप निकाल सकते हो एवरेज स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।